वाइज अभी मैं जिन लोगों के साथ जा रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक को पता है जिसका नाम दीपक है, दूसरे को नहीं पता जिसका नाम अभिषेक है। सो मैं अभी मेरे आगे जा रहा है, जस्ट सरप्राइज करूँगा कि देखते हैं कैसा एक्सप्रेशन रहता है। मुझे दोस्तों को सरप्राइज देना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आज करते हैं। अच्छा तो देखो, हर छोटी और बड़ी चीज़ की कहानी होती है कुछ ना कुछ, आप सभी को पता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सो बट ये उस पर डिपेंड करता है कि उससे लोग वह कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना उसे प्यार करते हैं। सो इंडियन रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसको मोस्टली लोग प्यार करते हैं और कभी भी वो मौका नहीं छोड़ते हैं अगर उनमें कोई चांस मिलता है रेलवेज़ में यात्रा करने के लिए। तो ऐसी ही एक यात्रा, खूबसूरत जर्नी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और इस समय हूं मैं पालम रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं मेहंदीपुर बालाजी, और उसके लिए मेरे को ट्रेन यहां से लेनी थी। ट्रेन मुझे न्यू दिल्ली से भी मिल सकती थी क्योंकि वो ट्रेन वहीं से चलती है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहां पे आ रहे थे, सो उनकी वजह से मुझे यहां पर आना पड़ा। सो अभी जो मुझे पालम रेलवे स्टेशन पे आना पड़ा उनसे मैं मिलवा देता हूं। आज मेरे साथ इस जर्नी में रहने वाले हैं दीपक, और दूसरा मेरा आई है अभिषेक, एंड तीसरे मेरे साथ रहने वाले हैं इस जर्नी में, ये हमारे भाई हैं। सो आज हम चारों जाने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी, और अभी हैं हम रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं। तो दिल्ली कैंट अपनी ट्रेन आ चुकी है। अच्छा ये मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मेरी एक टांग और अच्छा आप देख रहे हो अनाउंसमेंट हो गया है, अपनी मंडोर आने वाली है। गाइस ट्रेन अपनी चल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लिटरली मैं ब्लॉग नहीं कर पाया ट्रेन के अंदर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेशन पर। 5 hours later अभी हम पहुंच चुके हैं बांदीकुई जंक्शन पर, और आपको सच में यकीन नहीं आएगा इतनी खचाखच भरी हुई ट्रेन से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, बस क्या ही बताऊँ आपको। सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी मेरी ट्रेन मंडोर ने मुझे छोड़ दिया है बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर, और कुछ इस तरह से है। अभी बज रहे हैं 2 और हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। बाहर जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट, बस, जीप वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, आप इजीली यहाँ से जा सकते हो मेहंदीपुर बालाजी के लिए। बिल्कुल बांदीकुई रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर आपको ये कुछ इस तरह का मार्केट देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। सो जैसे आप बांदीकुई रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे तो ये वाला आपको वो लोकल मार्केट दिखाई देगा, और ये देख रहे हो कि आप ट्रांसपोर्ट बसेस की सुविधा आपको रात के 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम आप 24 घंटे आपको यहाँ से मिलेगी। इस खूबसूरत रात के समय और बांदीकुई स्टेशन के सामने इस चाय के अंदाज़ को आप पहचानोगे तो पाओगे यहाँ आने का फ़ायदा। और ये देखिए गाड़ी रिया लग रही है यहाँ से जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट, और अभी साथ में जितने आ रखे हैं कैमरा भी देख लीजिए कैमरा, अभी साथ में जितने आ रखे हैं सब बंदे अभी चाय एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा नींद का भी समय था, नींद भी आ रही थी सो इसलिए चाय पी जा रही है अभी। इस एक कप की कीमत तुम क्या जानो बाबू भैया। इसको कहते हैं चाय की मोहब्बत, चाय का प्यार, जो कि चीयर्स मारा जा रहा है। रात के बज रहे हैं 1, इस चाय को पीने के बाद हम हो जाएंगे सेट, फिर हम यहाँ से निकलेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट लेंगे। सो बांदीकुई स्टेशन पे अगर आप हैं तो यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 50 रुपये लगेंगे आपके यहाँ से, जो कि यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी की डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये डिस्टेंस आप 1 घंटे में कवर कर लोगे। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँच पाओ उतने आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हो जाती है, राइट। सो अभी हमारी भी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस चाय को ख़त्म किया जाए और आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए। तो देखिए मस्त मई का महीना है और हमारा जो सफ़रनामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट की खातिर मुझे आना पड़ता है और आप लोगों को वर्चुअली एक्सप्लोर कराना होता है साइड को।
चाय पीने के बाद आप इधर देखिए, पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है। अब हम देखते हैं बस कहाँ पर है, बस में बैठते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं मेहंदीपुर बालाजी। क्या बात है, और यहाँ से मैंने लिया है लोकल ट्रांसपोर्ट, ये देखिए बस, और इसका जो यहाँ से किराया है वो है 50 रुपये, और यहाँ से जो डिस्टेंस है मेहंदीपुर बालाजी का वो है 40 किलोमीटर। तो देखते हैं अब हम बस से कितनी देर में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। अंकल को भी, और अभी रात के बज रहे हैं 2, और मेरे साथ है देखिए इसको ध्यान से, खचा खच भरी हुई है पूरी बस, ये देखिए। तो सफरनामा शुरू हो चुका है और हम हो चुके हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन से रवाना, और अभी लगने वाले हैं बस के अंदर जयकारे। आगे बैठ के बदतमीजी मत करो, वो ड्राइवर साहब है, उनसे इधर रहकर बात करो, ठीक है? महाराज की जय। किसने बोला? क्या बात है, एक बार और, एक बार और। अरे किसने बोला? हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपने से मतलब है ना। चलो एक बार और बोल, बालाजी महाराज की जय। क्या बात है, सही है सही है सही है, काट दो वीडियो। One hour later. और अभी बजे हुए हैं रात के 3, और मैं पहुंच चुका हूं मेहंदीपुर बालाजी के अंदर, और ये हो चुका है नंगा नहाने के लिए तैयार। अमित जोसवाल हो चुका है नंगा नहाने के लिए तैयार, चौड़ा वरा बंदा, ये देख रहे हो क्या बात है। जिम विम मार के तब आया था, लैग वैग मारी थी क्या, मारा था लैग वाइज सब मार के तब आया था, ये देख रहे हो। बस आरती की तैयारियां चल रही हैं जैसे हमें बताया गया है, तो हमारा प्लान ये है कि जल्दी से जल्दी तैयार हुआ जाए, नहाया धोया जाए, कपड़े चेंज करे जाएं और जल्दी से जाके लाइन में लगा जाए, ताकि हम आसानी से और बहुत ही जल्दी से बाबा जी के दर्शन कर लें, आरती में शामिल हो पाएं। सो अभी हमारा रुकने का तो कोई प्लान नहीं है, ना ही हमने कोई रूम लिया है, ना ही हम कहीं पर स्टे किया है। हमने जस्ट आए हैं एक धर्मशाला के अंदर, यहाँ पर हमने सिर्फ नहाने के लिए उनसे पूछा है कि हमें नहाने का चार्ज बता दो, तो उसने हमें बताए हैं 25 रुपये पर हेड, 25 रुपये एक बंदे के लगेंगे नहाने के लिए। सो गाइज, मेरा जो प्लान था वो यहाँ स्टे करने का नहीं था, मैं जस्ट घूमने के लिए आया था, वन डे आएंगे, दर्शन करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। बट मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट तो बनता है। अभी मैं चलने वाला हूँ आगे, और रूम्स के स्नान कर लिया है हमने, उसके मैंने प्राइस आपको बताए दिए हैं। तो गाइज, मैं नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल फिट होके अपने होटल से आ चुका हूँ बाहर, और थोड़े रेट बता देता हूँ मैं यहाँ के होटल के। जैसा मुझे पता चला है, आपके लिए मैंने जानकारी निकाली है कि आपको एसी का रूम 1000 से 1200 रुपये के बीच में मिल जाएगा, सिंपल रूम पंखा या आपको कूलर मिल जाएगा 400 से 500 रुपये में वन नाइट के स्टे के लिए। आप इजीली आ सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं, बहुत ठीक ठाक होटल है, जैसा आप चाहे वैसा खा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ का व्यू दे देता हूँ किस तरह से बना हुआ है और क्या कैसे है। अभी रात का समय हुआ है तो कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं, मोस्टली जो होटल वगैरह हैं या थोड़ी बहुत जो चाय वगैरह की शॉप है वो खुली हुई हैं। अदरवाइज़ मैं आपको जो डे का मार्केट है वो भी दिखाऊँगा किस तरह से रहता है, और होटल्स वगैरह दिखाऊँगा, सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं दिन में। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4, और मेहंदीपुर बालाजी का कुछ ये नज़ारा। धीरे धीरे जो यहाँ के शॉप हैं वो खुलने को तैयार हैं, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, और मंदिर की मैं बात करूँ तो मंदिर में लगना लाइनें शुरू हो चुकी हैं, धीरे धीरे भक्त जा रहे हैं और लाइन में खड़े हो रहे हैं, ताकि आसानी से जल्दी भजन कर सके, जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन कर सके, बालाजी के आरती को इंजॉय कर सके। आप देख रहे होंगे पीछे पीछे से अभी हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही है मेरे, तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या माहौल है इस समय सुबह के समय में। दोस्तों, ये है बाबा जी का मंदिर जो अभी आप ये देख रहे हो, और नीचे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, उनके शरीर की इस तरह से हो जाते हैं, वो काफ़ी दिन तक यहाँ पड़े रहते हैं अगर सही नहीं होते तो। अभी आगे चलते हैं, हम प्रसाद लेते हैं और किस तरह की
है आगे कहानी, वो दिखाता हूँ आपको। सो गाइज अभी मैंने ले लिया है लड्डू का भोग यहाँ से, और ये देखिए, और साथ में क्या क्या ये भी है क्या साथ में ये? अच्छा अच्छा ये है प्रसाद है। सो गाइज ये है प्रसाद, 50 रुपए का लड्डू का भोग जो कि बालाजी महाराज को भोग लगेगा इसका। और यहीं पे हम अपने शूज और यहीं पे हम अपने बैग रख रहे हैं, यहाँ सेफली से रखे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ले ले पाँच। और अगर आपको अर्जी की सामग्री लेनी है वो भी मिल जाएगी। अलग अलग। और यहाँ पर हमारे आने से पहले इतने ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो जल्दी से हम भी लग जाते हैं लाइन में और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सो माई डियर फ्रेंड्स, 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर आरती, और 7 बजे से ये जो मैंने लाइन अभी आपको दिखाई है, 7 बजे ये लाइन आगे बढ़ना शुरू कर देती है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। सो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है अभी सिर्फ 4:08 हुई है। सो अभी टाइम है आरती में भी और प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो अभी हम लाइन में खड़े होते हैं धीरे से और बाबा का नाम लेके आराम करते हैं, ठीक है गाइस। सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं लाइन में और बज चुके हैं 6। लाइन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उधर दिखाओ, उधर उधर, क्या बात है। और दिन है आज संडे, वो तो मंगलवार नहीं है, तो इतने भक्त आ रखे हैं, अगर होता मंगलवार तो क्या ही कहने इस धाम के। दोस्तों अब ज़रा यहाँ की आप भीड़ देख लीजिए, जल्दी लाइन में लगने का आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। बंदर बेसब्री से इंतज़ार, और इस खूबसूरत लाइन में हम लगे हुए हैं, जिसके क्या ही कहने। लाइन में खड़ा होना और इस लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना अलग ही बात है, अद्भुत नज़ारा तो है ही, लेकिन जब आप इस लाइन में खड़े होते हो और एंट्री का वेट करते हो, स्पेशली मेहंदीपुर में आकर बालाजी के दर्शन करने के लिए, तो ये बात अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। और स्पेशल तब हो जाती है जब आप इस लाइन में सुबह 3 बजे से खड़े हो और इतना टाइम हो गया हो आपको वेट करते करते। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है और हमारा जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो गाइस एक पंडित जी आए यहाँ पर, वो चंदन लगा के माथे के ऊपर, और वहाँ पर लिख रहे थे श्री बालाजी, तो मैंने ये लिखवाया यहाँ पर। दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी आगे लाइन में लगना है, प्रसाद आपको लाइन में मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे साइड में है प्रसाद की दुकान, तो यहाँ से आप प्रसाद दे सकते हैं। गाइज आपको यहाँ भूत प्रेत वाले बहुत तगड़े तगड़े केस मिलेंगे, जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, यहाँ कुछ आत्माएं होती हैं, बहुत तगड़े तगड़े सीन आते हैं और बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं यहाँ से, बिल्कुल ओके। अभी हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर के द्वार से, और यहाँ पर एक प्रसाद जो ये ले रहे हैं, और जो नॉर्मल लड्डू वाला भोग है जो मैंने लिया है, उसको आप मंदिर के अंदर लेके जा सकते हैं, जिससे आप बालाजी को भोग लगाओगे। बट आपको याद रखना होगा, आप अपने हाथ से भोग नहीं लगा सकते हैं, वो जो भोग लगाएंगे सिर्फ पंडित जी लगाएंगे। अगर आप लगाओगे तो आपको डांट दिया जाएगा और मना कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, तो देखते हैं जितना हो पाता है कवर करते हैं गाइस, क्योंकि उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर पंडित जी खड़े हैं भोग लगाने के लिए, आप अपने हाथों से भोग नहीं लगाएं कृपया करके। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो पाया मैंने आपको इस मुख्य मंदिर के दर्शन करा दिए, इतनी हाइट सिक्योरिटी है, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाया, नहीं कोई फ़ोटो क्लिक कर पाया। और यहाँ देखिए मंदिर के बाहर की तरफ, जिनके ऊपर भूत प्रेत हैं या आत्माओं का साया है, इतने गजब तरीके से उनको बालाजी महाराज ने सही कर रहे हैं, ये देखिए। दोस्तों ये नया मंदिर हाल फिलहाल में बना हुआ है, पुराने टाइम का मंदिर तो ये है जहाँ से अभी मैं आया हूँ। और भूत प्रेत वालों को तो ऐसा नचा रखा है ना बालाजी ने, बहुत ही पुराने पुराने भूत यहाँ पर उतार दिए जाते हैं, कैसे भी तरीके का हो, बस एक बार यहाँ ले आओ आप। दोस्तों मेहंदीपुर में ये भी एक जगह है जहाँ पर लोग बाग आते हैं, भक्त आते हैं और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हवन किए जाते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है, जिनके ऊपर भूत प्रेत हैं या आत्माएँ हैं उनको बिल्कुल ठीक करके यहाँ से भेजा जाता है। तो अभी हमने खिलाए हैं यहाँ पर इन बंदरों को जो यहाँ पर रहते हैं केले,
सो गाइस बाबा जी के चरणों पर प्रसाद चढ़ाकर अपना मत्था टेक कर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करे, माफ़ करे। और अब हमारा टाइम था यहाँ से चलने का, तो मैंने सोचा आपको लोकल मार्केट दिखा देता हूँ, यहाँ के होटल्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह के होटल्स आपको मिलेंगे, छोटी धर्मशालाएँ भी मिलेंगी, प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी, खाने के लिए छोटे बड़े होटल्स मिल जाएंगे आपको, और भी कई अन्य चीज़ें मिल जाएंगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। सो गाइज आई होप आपने मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर किया होगा आज मेहंदीपुर बालाजी के इस खूबसूरत मंदिर को, और आज इसी खूबसूरती के साथ समाप्त करते हैं आज के इस टूर को मेरे साथ। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जर्नी के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।